हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बे एकेडमी। तो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, इसका मैं पार्ट 3 आपके पास लेके आया हूँ। तो देख लेते हैं आज के वो 10 शब्द कौन से हैं जिनके साथ कोई फिक्स प्रपोजिशन वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड्स मिलेंगे और यहाँ उनके साथ जो फॉलोड बाय प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन यूज किया जाएगा और यहाँ पर उसका मीनिंग होगा और यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा। तो पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है आज का एंग्जाइज अबाउट का मतलब होता है उत्सुक होना या फिर चिंतित होना भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज एंग्जाइज अबाउट हिज रिजल्ट, वह अपने रिजल्ट के लिए उत्सुक है। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोगाइज फॉर। अपोलोगाइज फॉर का मतलब होता है क्षमा मांगना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी मस्ट अपोलोगाइज फॉर हर मिस्टेक। शी मस्ट अपोलोगाइज फॉर हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। थर्ड वर्ड है आज का अपील टू। अपील टू का मतलब होता है उचित होना कह सकते हैं या फिर कोई चीज़ लागू होना भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिस ऑर्डर डज नॉट अपील टू मी, इसका मतलब है यह आदेश मुझ पर लागू नहीं होता, यह आदेश मुझे उचित नहीं लगता या फिर यह आदेश मुझे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड है आज का अपील फॉर। अपील के साथ फॉर भी यूज किया जा सकता है, यहाँ इसका मतलब निकलता है प्रार्थना करना। ही अपील्ड टू द जज फॉर मर्सी, उसने जज से मर्सी यानी कि दया के लिए अपील की, उसने जज से दया के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट वर्ड है एपेटाइट फॉर। एपेटाइट फॉर का मतलब होता है भूख होना या फिर तृष्णा होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिच एपेटाइट फॉर मोर रिच, अमीरों को और ज़्यादा धन की इच्छा होती है, अमीरों को और ज़्यादा धन की भूख होती है। अगला वर्ड है आज का एप्लीकेबल टू। एप्लीकेबल टू का मतलब होता है लागू होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, यह ऑर्डर यह आदेश हमारे लिए लागू नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मतलब होता है आवेदन देना। अप्लाई फॉर मतलब किसी बात के लिए आवेदन देना होता है तो फॉर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर दिस पोस्ट, उसने मैनेजर को इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसने मैनेजर को इस पोस्ट के लिए आवेदन किया। अगर हम किसी चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अप्लाई के साथ फॉर लगाना पड़ेगा, और अगर किसी को आवेदन कर रहे हैं किसी व्यक्ति को तो अप्लाई के साथ में टू लगाना पड़ेगा। इसी एग्जांपल में हम देख सकते हैं इस बात को। ही अप्लाई टू द मैनेजर, तो मैनेजर को अप्लाई किया उसने, इसलिए अप्लाई के साथ टू लग रहा है। मैंने फिर से इस वर्ड को लिखा है, अप्लाई के साथ टू लगता है। तो एक और एग्जांपल दिया है, वैसे इस एग्जांपल में दोनों बातें क्लियर हो रही हैं, अप्लाई फॉर और अप्लाई टू दोनों ही बातें क्लियर हो रही हैं, लेकिन मैंने अलग से एग्जांपल लिया, इसको अलग से लिखा है मैंने। अप्लाई टू मतलब किसी व्यक्ति को अप्लाई करना होता है। ही अप्लाई टू द प्रिंसिपल फॉर लीव, उसने प्रिंसिपल को लीव के लिए आवेदन किया, छुट्टी के लिए आवेदन किया। तो ये टू द प्रिंसिपल आ रहा है, तो अप्लाई टू यूज होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है आज का अपॉइंटेड टू। अपॉइंटेड टू का मतलब होता है नियुक्त होना, और किस पद पर नियुक्त है वो टू के बाद यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, वह क्लर्क की पोस्ट पर नियुक्त हो चुका है। आज का लास्ट वर्ड है अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है पसंद करना या फिर कहा जा सकता है सहमति देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं देता, मुझे ये प्रस्ताव पसंद नहीं है। तो ये थे आज के वो 10 वर्ड्स जो एक फिक्स प्रपोजिशन को फॉलो कर रहे थे। आज के वीडियो के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फील फ्री मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स के जवाब मैं जरूर दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।